हेलो रिवान, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे वी नेक डिज़ाइन। और यहाँ पे ये फ्यूज़ पेपर को मैंने पेस्ट कर लिया है कपड़े पर। इसको डबल फोल्ड करके कुर्ती का सेंटर करके और दोनों कपड़ों को हमने इस तरीके से रख लेना है। अब इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर ये देखिए 13 इंच के आसपास ली है। आप 14 इंच तक ले सकते हैं। चौड़ाई इसकी वही मैंने 2.5 इंच ली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ये पट्टी के लिए कपड़ा लेंगे, ये मैंने यहाँ पे 2-2 इंच ले लिया है और निशान मैंने ये सीधे कर लिए हैं। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो दोनों की हम एक साथ कटिंग करेंगे, जो हमारा पेस्टिंग पेपर है इस पे भी और जो कुर्ती का नेक कटिंग होगा वो भी हमने दोनों साथ में कटिंग कर लिए हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। 2 इंच ये हमने इसलिए लिया है पट्टी के लिए क्योंकि 1/2 इंच तो हम इसको फोल्ड करेंगे ना, उसमें चला जाएगा, तो इसलिए। तो ये इस तरीके से कटिंग हो गया है हमारा नेक, और अब हम इसको करेंगे स्टिच। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपने 1/2 इंच इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए जो फोल्ड हम ये कर रहे हैं इसको हमें बराबर फोल्ड करना है ताकि पट्टी को हम बाहर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, फिनिशिंग से अच्छे से नेक दिखे हमारा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हमने कुर्ती को लेना है ये इस तरीके से, और कुर्ती को हमने उल्टा साइड, हमने कुर्ती का ऊपर की साइड रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको उल्टी साइड हम अटैच करेंगे पट्टी को और फिर सीधी साइड इसको टर्न करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से सेट करना है कुर्ती के ऊपर, और आपने यहाँ पे पिंस लगा लेनी है देखिए इस तरीके से, ताकि जो है हमारा कपड़ा हिले ना, इधर उधर ना हो। ठीक है, और अब यहाँ से सिलाई हम कर लेंगे स्टार्ट। तो जो ये सिलाई लगाएंगे ये बस एक पैर की ही हम यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा मार्जिन इसमें हम नहीं दबाएंगे। ये देखिए, और यहाँ से ये बिल्कुल कॉर्नर बनाते हुए हम इस सिलाई को लगा लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे सिलाई को। ये देखिए इस तरीके से, अब जो पिंस लगाई हैं उसको हम निकाल देंगे, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है हमारा वी सेफ अच्छे से निकले, यहाँ पे एक कट लगा देंगे जो सिलाई है वो ना कटे हमारी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, नेक डिज़ाइन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम सीधी साइड पट्टी को टर्न कर लेंगे और बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई हम लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो ये पट्टी है ये अच्छे से सेट हो जाए इस तरीके से। तो ये सिलाई भी हम लगा कर करेंगे कंप्लीट। और फिर उसके बाद हमने ली है कॉटन लेस, तो बस एक कॉटन लेस ही हमने इसमें यूज़ की है, एक्स्ट्रा से हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो ये है कॉटन लेस। कॉटन लेस आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने आपकी कुर्ती में जो भी मैच हो। तो इसमें वाइट कलर की जो मैच हो रही थी तो ये मैंने लेस ले ली है। अब इसको जितना आपने लेस को बाहर की साइड दिखाना है उतना आपने लेस बाहर दिखाना है, बाकी लेस आपने इस पट्टी के नीचे दबा देनी है। ठीक है, और सिलाई को हम लगा लेंगे अच्छे से। तो आपने यहाँ पर लेस को या जो पट्टी है इसको खींचना नहीं है, जिस सेप में हमारी पट्टी है उसी सेप में हमने लेस को इसके नीचे दबाना है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन हो जाएगा, ये आसानी से हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हल्के सी आपने जो ये लेस है इसको हल्के हाथ से इस तरीके से टर्न करना है। ठीक है, अगर आप खींच के करेंगे तो फिर आप इसमें झोला जाएगा, तो आपने खींचना नहीं है लेस को बिल्कुल भी, हल्के हाथ से इस तरीके से टर्न करना है। और इस सिलाई को हम लगा कर लेते हैं कंप्लीट। और फिर इसमें हम सलवार का जो हमारा कपड़ा रहेगा वही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये सलवार का कपड़ा था, इसको डबल फोल्ड मैंने कर लिया है, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम इसको बराबर सेट करते हुए इस पर सेट करेंगे। और जो ऊपर से हमने नेक छोड़ा है वो हमने 7 इंच का रख लिया है। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जितना डीप आप पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ दीजिए, और बाकी पे इस तरीके से कपड़ा ये आप अटैच कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो बिल्कुल ही आसान है
नेक डिजाइन बनाना, और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आजकल ट्रेंड में भी है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए। बिगनर्स भी आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे, बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। अब जो यहाँ से है सिलाई को, यहाँ से हम पक्का ज़रूर करेंगे, नहीं तो फिर ये सिलाई हमारी खुल जाएगी ना। तो ये नेक डिज़ाइन हमारा बनके हो गया है तैयार। तो आपको कैसा लगा है नेक का डिज़ाइन ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।